આરોગ્ય જાગૃતિ, આરોગ્ય જાગૃતિ મેં આજ હમ વિટિલિગો યાને શરીર પે આને વાલે સફેદ દાગ ઇસ વિષય કો લેકર હમ આપસે રૂબરૂ કરાયેંગે શહેર કી જાની માની ડોક્ટર પ્રણાલી ઉત્તમ રાઠોડ સે જો ત્વચા રોગ તજ્ઞ વિટિલિગો સર્જન કોસ્મેટોલોજિસ્ટ હૈ ઓર ભી અધિક જાનેંગે ડોક્ટર પ્રણાલી ઉત્તમ રાઠોડ સે આરોગ્ય જાગૃતિ મેં દર્શકો આરોગ્ય જાગૃતિ કી ટીમ આજ લાઈફ હોસ્પિટલ રામનગર કોર્નર જાલના રોડ પર સ્થિત હૈ યહાં પર ડૉક્ટર પ્રણાલી ઉત્તમ રાઠોડ મેડમ જો કે ત્વચા રોગ વિટિલિગો સર્જન ઓર લેઝર સર્જન હૈ યહાં પર જો ભી આજ વિટિલિગો કે બારે મેં ચર્ચા હોને વાલી હૈ જિસે સફેદ દાગ કહા જાતા હૈ મેમ યે વિટિલિગો યા સફેદ દાગ કિસે કહેતે હૈ ઓર યે કિતને પ્રકાર કે હોતે હૈ જી યે વિટિલિગો જો હૈ જિસે હમ હિન્દી મેં યા તો સફેદ દાગ કહેતે હૈ या कोई लोग उसे मराठी में कोड भी बोलते हैं। ये आजकल बहुत कॉमनली पाया जाता है और ये हर उम्र के इंसान में देखा जाता है, बच्चों में देखा जाता है, बूढ़ों में देखा जाता है, नौजवानों में देखा जाता है। और आजकल ये काफ़ी चिंता का विषय है क्योंकि वो जो सफ़ेद दाग होते हैं वो शरीर के किसी भी हिस्से पे आते हैं, शरीर के ढके हुए हिस्से पे भी और शरीर का जो भाग हम कपड़ों के बाद खुला रखते हैं वहाँ पे भी दिखाई देते हैं। तो वो अपने इंडियन स्किन से, भारतीय जो स्किन का कलर होता है उससे कुछ अलग दिखते हैं, इसलिए कुछ सफ़ेद दाग है, कुछ काली त्वचा है, इसको लेके लोग काफ़ी चिंताजनक है। तो देखते हैं आज ये सफ़ेद दाग क्या होते हैं। हमारी त्वचा में मेलानोसाइट नाम के जो पेशी होते हैं उनके खिलाफ़ हमारी शरीर की रोग प्रतिकार शक्ति उनके खिलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाती है, जिसकी वजह से मेलानोसाइट्स का फंक्शन हैम्पर होता है और वो मेलानिन सिक्रीशन नहीं कर पाते हैं, इसलिए कोई त्वचा काली है और कोई जगह पे वो सफ़ेद दिखाई पड़ती है। तो ये सफ़ेद दाग जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः, जिसे हम सेगमेंटल विटिलिगो कहते हैं और दूसरी प्रकार होती है जो नॉन सेगमेंटल होते हैं। तो ये सेगमेंटल वाला विटिलिगो जो होता है या सेगमेंटल सफ़ेद दाग जो होते हैं वो शरीर के सिर्फ एक भाग पे आते हैं, मतलब शरीर का ये मिड लाइन से एक आधा हिस्सा ही यहाँ पे एक साइड पे, कोई भी एक साइड पे आते हैं और ज़्यादातर ये बच्चों में देखे जाते हैं, ज़्यादा उम्र वाले लोगों में भी ये दिखते हैं बट बच्चों में ज़्यादातर दिखे जाते हैं। और इस पे कोई दवा ज़्यादा असर नहीं करती है, सो बच्चा एक उम्र के बाद बड़ा होने के बाद हम उसे सर्जरी करके उस प्रकार के सफ़ेद दागों को हम अच्छे से ठीक कर सकते हैं। और ये विटिलिगो का दूसरा टाइप है जो नॉन सेगमेंटल विटिलिगो जिसे हम कहते हैं, जो शरीर के किसी भी हिस्से में आता है, मतलब ये दोनों तरफ भी आता है एज अ मिरर इमेज, वो यहाँ पे भी होगा, इस साइड पे भी होगा, और उसे हम नॉन सेगमेंटल विटिलिगो कहते हैं। और जो विटिलिगो की टाइप अलग है जहाँ पे वो लिप्स पे आता है, हाथों के उंगलियों पे आता है, पैरों की उंगलियों पे आता है, जिसे हम एक्रल विटिलिगो भी कहते हैं या लिप टिप विटिलिगो भी कहते हैं। मैम ये सफ़ेद दाग क्यों होता है और या कुछ खाने पीने से इसका कुछ परहेज किया जाता है क्या? विटिलिगो में या सफ़ेद दाग में जो हमारे शरीर के मेलानोसाइट नाम के पेशी होते हैं वो ऑटो इम्यूनिटी की वजह से उनके खिलाफ शरीर में एंटीबॉडीज़ बन जाती है और वो सेल डेथ हो जाती है वहाँ, उसकी वजह से ये बीमारी होती है। बीमारी को टालने के लिए कोई भी खाने की चीज़ का परहेज नहीं है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगी कि पूरा बैलेंस डाइट सबने खाना चाहिए, जिनको भी विटिलिगो है उन्होंने हर एक चीज़ खानी चाहिए, जिसमें कि हरी सब्जियाँ है, फल है, दाल चावल रोटी जो भी है हमारे खाने में जो भी होता है, पूरा आहार सबने पूरा पोषण आहार लेना चाहिए जो कि विटिलिगो की ट्रीटमेंट के लिए अच्छा है, मतलब पूरा बैलेंस डाइट सबने लेना ही चाहिए। लाइफस्टाइल चेंजेस भी इसके साथ खाने के साथ कुछ ज़रूरी है, इसमें कुछ चीज़ें हैं, कोई भी ऐसी टाइट कपड़ों की फिटिंग नहीं पहननी है जिसकी वजह से कपड़ा और त्वचा के बीच घर्षण होके नए जख्म हो जाए, तो जख्म होने के बाद हो सकता है उस जगह पे सफ़ेद दाग आना शुरू हो जाता है। जिनको ये बीमारी है उन्होंने ये ज़्यादातर ध्यान रखना है। दूसरी बात, किचन में काम करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि कोई सब्ज़ी
काटते समय उंगली में या कहीं और कटना नहीं चाहिए। कुछ चीज़ें गर्म करते समय या गैस का इस्तेमाल करते समय जलना नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ पे भी ये इंजुरीज होगी वहाँ पे सफ़ेद दाग आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सफ़ेद दाग जो बीमारी होती है, ये छूने से होती है या फिर माता पिता से बच्चों में ट्रांसफ़र हो सकती है? जी, आपने जो सवाल पूछा है, बहुत ज़्यादा लोगों का ये प्रश्न होता है, हमेशा पूछा जाता है पेशेंट से भी और उनके रिश्तेदारों से भी। तो जी नहीं, छूने से विटिलिगो या सफ़ेद दाग बिल्कुल नहीं फैलते हैं। हाँ, पर माता पिता को अगर विटिलिगो है तो उनकी वजह से उनकी अगली पीढ़ी में, आने वाले बच्चों में या उनके बच्चों के बच्चों में ये ट्रांसफ़र होने के कुछ प्रतिशत चांसेस होते हैं। तो हम देखते हैं कि कैसे है। जिनको विटिलिगो नहीं है, माता या पिता को किसी को भी सफ़ेद दाग की बीमारी समझो नहीं है, तो भी उनके बच्चों में 1-4% तक ये बीमारी आने के चांसेस होते हैं। और दूसरी कैटेगरी है जिसमें या तो माता या पिता में से किसी एक को अगर ये बीमारी है तो उनके बच्चों में वो सफ़ेद दाग आने का प्रमाण जो है वो 7-8% तक बढ़ जाता है। और अगर माता या पिता दोनों को भी सफ़ेद दाग की बीमारी है तो वो 8% से भी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो उनकी अगली पीढ़ी में, अगले उनके बच्चों में दिखाई देगा। पर इसका अभी काफ़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ अपने पास अवेलेबल है, सर्जरीज है, फोटोथेरेपी है, लेज़र थेरेपी है, मेडिसिन अपने पास अवेलेबल है, तो विटिलिगो ज़्यादा चिंताजनक विषय अब नहीं रहा है। जिनको विटिलिगो या सफ़ेद दाग की बीमारी है उनको पहले तो कोई संदेश देना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने डेली रूटीन में क्या चीज़ें करनी हैं और क्या नहीं करनी है। जैसे कि पहले मैंने पहरावे के बारे में बताया है, साड़ी, पैजामा या जो भी पहरावा हम पहनते हैं वो ज़्यादा टाइट ना पहने, ढीले कपड़े पहनने हैं, और कॉटन के कपड़े हो तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात है, किचन में काम करते हुए, बगीचे में काम करते हुए हमारी त्वचा को कोई प्रकार का नुकसान ना हो, कोई जख्म ना बने जिसकी वजह से सफ़ेद दाग आने के लिए और बढ़ावा मिले। भारतीय महिलाएं जो है आजकल मेकअप का जो भी इस्तेमाल करती है, तो मैं खासकर उनके लिए कहना चाहती हूँ कि आप जिस भी प्रकार का मेकअप, लिपस्टिक हो, फाउंडेशन हो या और कोई भी चीज़ें, मस्कारा वगैरह जो भी लगाते हैं, सुरमा लगाते हैं, तो वो अच्छी कंपनी का होना चाहिए। और वो जो भी है अपने चेहरे के ऊपर, त्वचा के ऊपर लगाने से पहले एक छोटा सा टेस्ट हमें करना है, अपने त्वचा के छोटे हिस्से पे लगा कर हमें देखना है क्या वो चीज़ हमें सूट करती है, और उसके बाद ही हमें उन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। तो हमने ये देखा कि सफ़ेद दाग जिनको है उन्होंने क्या क्या खबरदारी लेनी चाहिए। दूसरा है कि अगर ये सब करने के बाद भी अगर किसी को नया सफ़ेद दाग दिख जाता है तो डरने की बात नहीं है, आप आपके नज़दीकी त्वचा रोग तज्ञ की सलाह ले सकते हैं। और इंसान का समाज उसकी परिवार से शुरू होता है, तो अगर किसी को घर में सफ़ेद दाग है पर उसके परिवार वालों ने अगर उसे नॉर्मल एक्सेप्ट किया है, तो धीरे धीरे ये समाज भी उनको एक नॉर्मल इंसान की तरह ही एक्सेप्ट करेगा। इस बीमारी को लेकर लोगों के मन में बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं कि ये फैलेगा, या उनसे कोई शादी नहीं करना चाहता है जिनको सफ़ेद दाग है, तो इसका काफ़ी हद तक क्योर है, तो ज़्यादा चिंता करने की इसकी ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जिनको भी सफ़ेद दाग है उन्होंने अपने आप को कोई व्यंग है ऐसा समझ कर ना चले। जो अपंग व्यक्ति होते हैं वो भी अपने अपंगत्व के ऊपर मात करके आगे चलते हैं, तो आपको तो सिर्फ दो रंगों में जीना है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगी कि ये रंगों का भेद आप खुद आपके मन से मिटाओ, तो ये समाज भी आपको एक ही रंग के साथ एक्सेप्ट करेगा। तो चलो सब साथ मिले और विटिलिगो को मिटाएं।